अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान। पिछली वाली जो इनडिज़ाइन की क्लास थी, पेजेस के बारे में जो मैंने बताई थी, उसमें एक कमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि हम पेज नंबर्स डालते हैं, लेकिन अगर हमें पेज नंबर किसी कुछ पेजेस छोड़ने के बाद पेज नंबर वन चाहिए, यानी पेज नंबर वन हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकें, तो वो कैसे होगा? बस वही बताने के लिए आया हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आएगी कि हम पेज नंबर आगे से स्टार्ट करें? समटाइम्स आपने बुक्स में हमेशा देखा होगा, समटाइम्स नहीं एक्चुअली हमेशा देखा होगा कि एक टाइटल पेज होता है, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह सब कुछ आ रहे होते हैं, एंड देन उसके बाद पेज नंबर वन शुरू होता है। और अगर हम अपनी बुक डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें पेज नंबर दो या तीन पेजेस के बाद या एक पेज के बाद ही स्टार्ट होना है, तो वो कैसे होगा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो इन डिज़ाइन हमेशा पेज नंबर वन जो है वो पहला पेज जो होता है उसी से शुरू करता है, लेकिन हमें आगे से शुरू करना है। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखें किस तरह से होगा। सो ये मैंने एक बहुत बेसिक सा एक लेआउट किया है, बस ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पहला वाला टाइटल पेज है, राइट, और उसके बाद कुछ पांच छः पेजेस और हैं, राइट, छः पेजेस और हैं, और मैं इसमें नंबर्स, पेज नंबर्स डालना चाह रहा हूँ। तो मैं पेरेंट पे गया और सिंपली यहाँ पर अपना पेज नंबर ऐड कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से मैंने ये बॉक्स बनाया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, आपको याद होगा शॉर्टकट, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। एंड इसको राइट अलाइन, दैट्स इट। नाउ अब आके देखें तो हमारे हर पेज पर पेज नंबर्स आ रहे होंगे, एंड यहाँ देखें तो पेज नंबर टू आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज इस जगह पर हमारा बॉक्स बना हुआ है बैकग्राउंड का, सी ये रहा पेज नंबर वन यहाँ पर है, बट मैं चाह रहा हूँ जी पेज नंबर वन यहाँ से आए। बहुत छोटा सा काम है, आपने सिंपली जिस पेज से शुरू करना है उस पेज पर राइट क्लिक करें, और ये जो अलाउड डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल है इसको हटा दें। दूसरा काम, राइट क्लिक करें, अलाउ सेलेक्टेड स्प्रेड टू शफल, ये भी हटा दें। सो जब ये दोनों ऑप्शंस आपने हटा दिए तो उसके बाद आपने ये करना है, राइट क्लिक करना है और जाना है सीधा सीधा नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस, इसमें जाएंगे, एंड यहाँ से आपने सिंपली ये सेलेक्ट करना है स्टार्ट पेज नंबरिंग एट वन, क्योंकि हमने जिस पे राइट क्लिक किया है ये पेज नंबर वन वहाँ से शुरू करेगा। इसको जैसे ही आप ओके करेंगे ये एक आपको वार्निंग आएगी, दैट्स ओके, इसको ओके कर दें, एंड दैट्स इट। सी दिस, यहाँ से आ रहा है आपका पेज वन, और अब आपके पास सारी चीज़ें अलाइंड हो चुकी हैं। अगर आप गौर से देखें पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट्स इट, इतना सा काम था। आई होप ये छोटी सी टिप आप लोगों के काम आएगी। जिसका सवाल था, थैंक यू आपने ये सवाल किया, वरना ये रह जाता। थैंक्स अ लॉट, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।